सर्दियों के मौसम में अगर गर्मा गर्म लहसुन के पराठे मिल जाए, वो भी दही या अचार के साथ, तो नाश्ते में खाने का मज़ा आ जाए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम आसान, सिंपल और कम मसाले वाले लहसुन के पराठे, जिसे हम सिंधी अक्सर सर्दियों में खाया करते हैं, और इसका स्वाद ऐसा है कि आप हर रोज़ इसे खाना पसंद करेंगे। तो आइए देखते हैं हम सिंधी इसे कैसे बनाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हाय एवरीवन, मैं हूँ रेखा चावला। दोस्तों, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आया तो मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे इजी रेसिपीज अब तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो लहसुन का पराठा बनाने के लिए हमें इस तरह की हरी लहसुन चाहिए। ये मोस्टली सर्दियों में ही मिलती है, और सर्दियों में लहसुन के पराठे खाओगे तो आप बाकी सारे पराठे भूल जाओगे। तो ये इस तरह की मार्केट में हरी लहसुन आती है। आप क्या करें, गीले कपड़े से इसे अच्छे से साफ़ कर लें। जो भी थोड़ी बहुत डस्ट होगी वो साफ़ हो जाएगी। इसे पानी से धोना नहीं है, नहीं तो इसे हम ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकेंगे। बस गीले कपड़े से ही थोड़ा सा साफ़ कर लीजिए। अब सारी लहसुन का जो ऊपर का रूट का पार्ट है उसे कट कर देते हैं। और इस तरह से बीच में छुरी की हेल्प से थोड़ा सा कट कर ले, काटने में हमें इजी होगा। अब एक सीजर की हेल्प से छोटा छोटा चॉप कर ले। जितना छोटा छोटा कट करेंगे उतने ही पराठे टेस्टी और अच्छे लगेंगे, और भरावन यानी स्टफिंग भी अच्छे से इजी जाएगी। अब इस लहसुन को आप एयरटाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में रख दें। 8 से 10 दिन तक लहसुन ख़राब नहीं होती। फिर आपको जब मन करे लहसुन के पराठे खाने का, आप फटाफट से पराठे बनाकर खा सकते हैं, और आप चाहो तो पुलाव में भी इसे डाल सकते हैं। इससे पुलाव का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो सारी लहसुन को मैंने काट लिया है, और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब डो बनाने के लिए मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। अगर आप इसमें नमक और 1 चम्मच तेल डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं, पर मैं बिना तेल और नमक के ही आटा बनाऊंगी। तो आटे में अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसका एक नरम डो बना लेना है। ध्यान रहे, जब भी आप भरवा पराठे बनाएं तो उसके लिए जो डो है वो नरम बनाएं, हार्ड नहीं गूंदे। उससे क्या होगा, जब हम स्टफिंग करेंगे तो पराठे बेलते समय वो अच्छे से स्ट्रेस होंगे, और कड़क आटा गूंदेंगे तो स्ट्रेचिंग नहीं होगी और पराठे जो है वो रोल करते समय फटने लगेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे गूंद लिया है, और अब इसे ढककर हम 10 मिनट रख देते हैं, ताकि डो जो है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, और जब तक इसका हम मसाला बना लेते हैं। एक बोल ले लें, उसमें डालें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1 से 1.5 चम्मच जितना धनिया पाउडर, और 2 से 3 चम्मच जितना तेल डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। इन मसालों को आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ऐसा मसाला बनाकर रखने से पराठे बहुत जल्दी बन जाएंगे। तो ये मसाला भी बन चुका है, और लहसुन भी हमने ऑलरेडी काट ली है। तो 10 मिनट हो चुके हैं, आटा अच्छे से सेट हो चुका है। अब 1 चम्मच जितना तेल डालकर उंगलियों के पीछे हिस्से से एक बार इसे इस तरह से स्मूथ कर लें। फिर इसकी छोटी छोटी लोई बना लें। छोटे बड़े पराठों के अकॉर्डिंग आप लोई को छोटा बड़ा कर लें। अब क्या करेंगे, इस लोई में थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे और उसे थोड़ा छोटा बेल लेंगे। फिर ये जो हमने मसाला पहले से बनाकर रखा है उसे फैला देंगे बीच में। फिर बीच में से लहसुन को रखकर इसे अच्छे से पैक कर देंगे। वैसे तो आप जितनी ज़्यादा स्टफिंग करेंगे पराठे उतने ही टेस्टी बनेंगे, लेकिन अगर आप नए हैं, मतलब आप पहली बार लहसुन का पराठा बना रहे हैं, तो स्टफिंग थोड़ा कम ही डालें। अब फिर से सूखा आटा डालकर इसे अच्छे से हल्के हाथों से बेल लें। डो सॉफ्ट होने की वजह से इजीली पराठा स्ट्रेस हो रहा है, तो ये अच्छे से रोल हो गया है। लहसुन जो है वो हर तरफ से अच्छे से स्प्रेड हो चुकी है।
अब सेकने के लिए गैस ऑन करके तवा गरम कर लें। गैस का फ्लेम मीडियम रखें, फिर थोड़ा तेल या घी लगाकर रोटी को डाल दें। थोड़ी देर के बाद इसे पलट लें। पराठों को दोनों तरफ से सेक लें। ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखें, कम आंच पर पराठों को नहीं सेकना है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी या तेल लगा दें। घी लगाने से पराठे का टेस्ट और भी बढ़ जाता है, और सर्दियों में घी खाना तो सेहत के लिए अच्छा ही होता है। तो ये हमारा सुपर टेस्टी लहसुन का पराठा बनकर तैयार हो गया है। सेम इसी तरह से हम सारे पराठे सेक लेंगे। और अब चलते हैं हम सर्व करने की प्रोसेस में। तो इसे सर्व करने के लिए आप दही या नींबू की चटनी या अचार जिसके साथ आपको पसंद हो उसके साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। वैसे तो ये पराठा ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है, या फिर आप इस पराठे को मिर्ची के अचार के साथ भी खा सकते हैं। इन सारे अचार की लिंक मैंने नीचे शेयर की है आपसे। तो लीजिए, सर्दियों का फेमस लहसुन पराठा बनकर तैयार हो गया है। तो देखा आपने कितना सिंपल तरीके से कम मसालों के साथ बहुत ही फ्लेवरफुल हमारा सुपर टेस्टी लहसुन पराठा आप इस तरीके से बना सकते हैं, और ये पराठा आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये पराठा मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं लहसुन पराठा अच्छे से लहसुन पूरी स्प्रेड हो चुकी है। तो ये रेसिपी आपको पसंद आई तो आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए, और मिलती हूँ आपसे एक और नई ईजी रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।